नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 6 जनवरी 2023 की डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज डिस्कस करने वाले हैं? तो एक न्यूज तो ये है कि हाई कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया था कि उत्तराखंड के अंदर रेलवे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोग इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं कई डेकेड से, उनको हटा दो। इस पर्टिकुलर जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक ह्यूमन एंगल की बात कर रहा है। अब ये ह्यूमन एंगल सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से बता रहा है, इस पर्टिकुलर न्यूज को थोड़ा पेरियूज करेंगे। फिर डेसेनियल सेंसस को थोड़ा और आगे पोस्टपोन किया है, क्योंकि बाउंड्रीज फ्रीज नहीं हो पा रही। फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज, ये क्या कंसेप्ट है इसको समझेंगे। तिरुपति में देश का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट आया, इसके बारे में बात करेंगे। पारसनाथ प्रोजेक्ट, ये जो जैन साइट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी चल रही थी, इस कॉन्टेक्स्ट में केंद्र की सरकार ने डिसीजन लिया है। और वो जो इको सेंसिटिव जोन में टूरिस्ट हॉटस्पॉट डेवलप करने की बात थी, उसको अभी के लिए रोक दिया गया। फिर से एक कमेटी बनाई जाएगी, इसके ऊपर बातचीत होगी। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर यहाँ पे डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ ड्राफ्ट नॉर्म्स रिलीज किए हैं, जिसके चलते फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर अपना कैंपस सेटअप कर सकती हैं। ये क्या है इसको देखेंगे। और कैसे केंद्र की सरकार प्लान कर रही है कि इंडिया को एक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाया जाएगा, इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ एडिटोरियल में भाई, कैसे नेपाल के साथ अपनी टाइज स्टेबल कर सकता है इंडिया। नेपाल को लेके अक्सर कर आर्टिकल्स आ रहे हैं। रिसेंटली नेपाल में इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, तो इस आर्टिकल को देख लेंगे। कैसे इंडिया को एक अपलिंकिंग हब बनाया जा सकता है। अपलिंकिंग समझते हो दोस्तों, आपके टीवी पे जो आप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैच आ रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप आप लाइव देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस फुटबॉल वर्ल्ड कप की अपलिंकिंग हो रही होगी। मतलब जहां से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा, वहां पे उस पर्टिकुलर गेम की लाइव कवरेज को किसी टेलीपोर्ट के थ्रू सैटेलाइट पे भेजा जा रहा होगा, और सैटेलाइट से पूरी दुनिया में उसको ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होगा। तो अपलिंकिंग मतलब जहां से पर्टिकुलर कंटेंट को सैटेलाइट पे भेजा जाता है और वहां से फिर वो पूरी दुनिया में बांटा जाता है। तो कैसे इंडिया एक अपलिंकिंग हब बन सकता है, इसके बारे में एक आर्टिकल है। अ डाटा पर्सन टू अ डाटा जर्नलिस्ट, ये बता रहे हैं कि भाई बहुत साल हो चुके हैं, जब ये शुरुआत में द हिंदू ने ज्वाइन किया था, तब डाटा का प्रयोग अलग तरीके से होता है, आज अलग तरीके से होता है। उतना होलिस्टिक आर्टिकल नहीं, इसलिए अलग से डिस्कस नहीं कर रहा हूं। उसके साथ साथ अ ग्रीन प्रॉमिस, स्मॉल एंटरप्राइजेस कैन बी द मेनस्टे ऑफ ग्रीन इकोनॉमी और फ्रीडम इन अथॉरिटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक सर्वेंट्स मतलब जो मिनिस्ट्री वगैरह के मिनिस्टर्स के फ्री स्पीच पे जो एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए हैं, इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है, कैसे इन मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल होना चाहिए, इसको लेके एक आर्टिकल है। तो चार आर्टिकल्स बेसिकली आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक कर बटन दोस्तों, चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें, इस पर्टिकुलर लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिथम में बढ़ाने के लिए। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कमिंग आउट ऑफ द बू। कमिंग आउट ऑफ द बू मतलब एकदम से आ जाना, एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आ जाना। जैसे ऑन वन डे आउट ऑफ द ब्लू शी अनाउंस दैट शी वाज लीविंग, मतलब एकदम से वो वहां पे थी, एकदम से उसने अनाउंस किया कि वो जा रही है। मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी चीज का होना, इसको आप बोलते हो कम आउट ऑफ द ब्लू। पहली न्यूज जीएस पेपर टू, जुडिशरी गवर्नमेंट पॉलिसीज। सुप्रीम कोर्ट थॉट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर का उत्तरा हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे किया है। उत्तराखंड की हाई कोर्ट ने इंडियन रेलवेज को और हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह ऑर्डर दिया था कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद से ये जो हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे के लैंड के ऊपर हजारों की तादाद में गरीब झोपड़पट्टियों में फैमिलीज रह रही हैं, इनको इविक्ट करो, इनको उस जगह से हटाओ, वो जगह रेलवेज की है, इनकी नहीं है। ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब आप बोलोगे ऐसा ऑर्डर कैसे दे सकता है उत्तराखंड की हाईकोर्ट, तो देखिए टेक्निकली जमीन तो रेलवेज की है, तो रेलवेज की जमीन, और रेलवेज ये बोल भी रही है कि रेल सर्विसेज को और एक्सपेंड करने के लिए हमें जमीन डेवलप करनी है। अभी जमीन डेवलप करनी है तो उस पर रहने वाले लोगों को हटाना पड़ेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पिटीशन चली, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ठीक है भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज की मदद से इन लोगों को हटा दो। ये लोग पहुंच गए कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल और एएस ओका साहब ने बोला है कि भाई इसमें से कुछ फैमिलीज तो 50 से 70 साल से इन जमीनों पर रह रही हैं, तो चूंकि वो 50 से 70 साल से इन जमीनों पर रह रही हैं, तो आपको एक ह्यूमन एंगल भी देखना पड़ेगा। आप सीधे सीधे इनको हटा नहीं सकते, अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप इनको रिहैबिलिटेट करो। रिहैबिलिटेट का मतलब समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह डिग्निफाइड वे में शिफ्ट करो, ठीक है भाई। पब्लिक प्रमाइसिस एक्ट इंस्टीट्यूट किया गया है इन फैमिलीज के अगेंस्ट। COVID-19 पैंडेमिक के समय पे इन फैमिलीज के अगेंस्ट पब्लिक प्रमाइसिस एक्ट लगाया गया था। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो फैमिलीज वहां रह रही हैं, इनके कुछ राइट्स हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस जमीन पे ये रह रहे हैं वो जमीन रेलवेज की है, तो रेलवेज की भी यहाँ पे राइट है।
तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि बैलेंस यहां पे स्थापित करना पड़ेगा, इन फैमिलीज के राइट्स को भी देखना पड़ेगा, जो रेलवे की जमीन है उसको भी देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है, प्रिलिमिनरी जो सुप्रीम कोर्ट का व्यू पॉइंट समझ में आ रहा है वो ये है कि रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम ये है, रेलवेज की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी जी इस मैटर को देख रही थी। ऐश्वर्या भाटी जी का ये बोलना है कि भाई ये जो कार्ड गोधाम रेलवे स्टेशन के आसपास की जो जमीन है ना, यहाँ पे ओवरऑल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, रेल ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए हल्द्वानी नियरेस्ट लोकेशन है और वहीं पे ये जमीन है। अब इस जमीन खाली होती तो रेलवे कुछ एक्सपेंशन वगैरह करता। और खास बात ये है, ऐश्वर्या भाटी जी का ये बोलना है कि ये फैमिलीज रिलोकेशन नहीं चाहती, ये फैमिलीज चाहती हैं कि जमीन ही उनको दे दी जाए, जबकि जमीन रेलवेज की है। रेलवेज का ये बोलना है कि हमें भाई अपनी रेल सर्विसेज को एक्सपेंड करना, हम जमीन नहीं दे सकते। इसी रेलवेज ने यहां पे इन्वोक किया पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट 1958। इस पर्टिकुलर एक्ट को आप इवोक करके एक स्पीडी मशीनरी के तहत अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स को पब्लिक प्रीमाइसेस से हटा सकते हो। जो सेक्शन 5 एक्ट का, इट प्रोवाइड्स फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ अ पब्लिक प्रीमाइसेस व्हिच आर इन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पर्संस। बट कई फैमिलीज तो 50 से 70 साल से रह रही हैं, अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो एकदम से उठ के कहाँ चली जाएंगी। वैसे भी इस समय पे इतनी ठंड पड़ रही है, ठंड के बीच में उत्तराखंड जैसे हिली स्टेट में आप एकदम से हजारों फैमिलीज को एक जगह से हटा दोगे तो इतने बाइटिंग कोल्ड में वो कहाँ जाएंगे। फिर ओवरऑल इन फैमिलीज के बिहाफ पे जो एडवोकेट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये बोलना है कि भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर तो एकदम आउट ऑफ द ब्लू आ गया, एक्सपार्टे था, मतलब इन फैमिलीज को पॉइंट्स को हियर ही नहीं किया गया, इनके रिप्रेजेंटेशन को सुना ही नहीं गया, इनमें से बहुत सारे चिल्ड्रन वुमेन एल्डरली पर्सन हैं, कहाँ जाएंगे ये इविक्ट होने के बाद इतनी ठंड में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक ह्यूमन एंगल लो, रिहैबिलिटेट करो, ये फैमिलीज रिहैबिलिटेशन चाहती नहीं, उस जमीन के ऊपर हक चाहती है, और हजारों की तादाद में फैमिलीज को रिहैबिलिटेट करने में भाई पैसा लगेगा, किसी भी दूसरी जगह पर सेटल करोगे घर दोगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। देखते हैं उत्तराखंड की सरकार यहाँ पे क्या करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इविक्शन को अभी के लिए रोक दिया। अगली न्यूज, डेसालियन सेंसस पुट ऑफ टिल सितंबर टू फ्रीज बाउंड्रीज जीएस पेपर टू सेंसस। भैया सेंसस तो एक ऐसी एक्सरसाइज हो गई 2021 की जो होके नहीं दे रही, पिछली बार हुआ था 2011 में, अभी के लिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया है सितंबर 2023 तक। अब देखिए हुआ क्या, फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज ये नहीं हो पा रहा। अब फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज क्या होती है, देखिए इंडिया के अंदर बहुत सी डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट है, तहसील है, तालुका है, पुलिस स्टेशन है, इनके अंदर में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ज्योग्राफिकल इलाका आता है उसकी बाउंड्री लिमिट्स अक्सर कर बदलती रहती हैं। पिछली बार सेंसस हुआ था 2011 में, जब 2011 में सेंसस हुआ था तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स थी इंडिया के अंदर 640, आज की डेट में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर 736। जो सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर वो 5925 से बढ़ के हो गई हैं 6754। जो स्टेटूटरी टाउन्स हैं इंडिया के अंदर वो 4041 से बढ़ के हो गए हैं 4657। जो सेंसस टाउन्स हैं इंडिया के अंदर वो 3892 से बढ़ के हो गए हैं 5050। जो विलेजेस हैं इंडिया के अंदर वो 6,40,934 से घट के हो गए हैं 6,39,083। तो ये जो अलग अलग आपको सब डिविजन्स नजर आ रही हैं, ज्योग्राफिकल आप कह लो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स नजर आ रही हैं, इनके जो ज्योग्राफिकल एम्बिट है ना, जितना ज्योग्राफिकल एक्सपेंस है वो लगातार बदल रहा है। तो जब तक आप उसको फिक्स नहीं करोगे तब तक आप सेंसस कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सेंसस में इन ज्योग्राफिकल यूनिट्स को आप एज अ बेस पैरामीटर लेके चलोगे, इन ज्योग्राफिकल यूनिट्स के अंदर रहने वाले लोगों का ही तो सेंसस इकट्ठा कर रहे हो आप। तो जब आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज की बाउंड्री को ही फ्रीज नहीं किया तो सेंसस कैसे कंडक्ट करोगे। अब खास बात दोस्तों ये है कि जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं मार्च अप्रैल 2024 के समय पे, और ओवरऑल इन सेंसस मतलब सेंसस जो अभी होना है उसके दोनों फोजेस को कंप्लीट होने में कम से कम 11 महीने लगेंगे। तो ऐसा तो लग नहीं रहा कि 2023 में सेंसस होने वाला, क्योंकि सेंसस के कंडक्ट को सितंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी सितंबर 2023 के बाद शुरू हुआ तो कम से कम 11 महीने लगेंगे, तो अप्रैल 2024 तक तो ये खत्म होने से रहा, मतलब जनरल इलेक्शंस 2024 में सेंसस नहीं होने वाला कंडक्ट उससे पहले। हाँ वो अलग बात है कि जो दो फेजेस को कंडक्ट कराने की टाइमलाइन 11 महीने की है, इसको सरकार अगर कम कर दे तो बात अलग है, बट उसके चांसेस भी यहाँ पे कम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सेंसस डिसेलिन एक्सरसाइज है, 10 साल में एक बार होता है, तो आप जल्दी जल्दी में कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताएंगे। जो पहला फेज था सेंसस का ये कब होना था, अप्रैल से सितंबर 2020 के समय पे होना था, इसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया। कि जो सेकेंड फेज होना था सेंसस का वो 5 मार्च 2021 तक होना था, ठीक है ना भाई।
जिसमें मेनली आपको पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की बात करनी थी, वो भी यहाँ पे अभी मतलब प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं। तो कुल मिला के जो सेंसस की एक्सरसाइज है वो थोड़ा ठंडे बस्ते में चल रही है। एक रीज़न उसका ये भी है कि भाई फ्रीज नहीं हो पाई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। अब पहले क्या था कि जो फ्रीज ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज थी वो इफेक्टिव था 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च तक। बात यह है दोस्तों कि लगातार चूंकि सेंसस यहां पे इंडेफिनेटली पोस्टपोन होता जा रहा है, तो अलग अलग राज्य की सरकारें कहीं कोई नई डिस्ट्रिक्ट बना रहा है, ब्लॉक्स में डिविजन्स में चेंजेस लेके आ रहा है, विलेजेस की जो रेवेन्यू बाउंड्रीज है उनको चेंज कर रहा है। राज्य की सरकारें ऐसा कर सकती हैं। अब राज्य की सरकारें ऐसे करेंगी तो ठीक है भाई, अगर केंद्र की सरकार यहां पे कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन दे दे सेंसस की तो उस कॉन्टेक्स्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को फ्रीज किया जा सकता है। बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज की फ्रीजिंग ही यहां पे नहीं हो पा रही। फ्रीजिंग मतलब आप एक टाइम फ्रेम में ये डिसाइड कर लो कि देश में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, कितनी सब डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने तहसील हैं, कितने तालुका हैं, कितने विलेज हैं और उनकी बाउंड्री क्या है। अभी यही डिसाइडेड नहीं है, तो चूंकि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा तब तक भाई सेंसस भी कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस है क्या? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डाटा। ठीक है ना भाई, हमारे देश पूरे देश में और देश के स्पेसिफिक हिस्सों में कितने लोग रह रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में डाटा को कलेक्ट करना। पहला नॉन सिंक्रोनस और सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ? तो पहला सेंसस कंडक्ट हुआ 1872 में लॉर्ड गवर्नर जनरल मेयो के समय पे। उस समय पे पहला सेंसस था तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं किया गया। प्रॉपर तरीके से पहला सेंसस ऑफिशियली कंडक्ट हुआ 17 फरवरी 1881 को सी प्लाउडन के द्वारा, जो इंडिया के सेंसस कमिश्नर थे। ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है, हु वाज द फर्स्ट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो सी प्लाउडन आप कह सकते हो, जिसके अंदर पहला सिंक्रोनस सेंसस हुआ। वैसे तो पहला सेंसस इंडिया का कंडक्ट हुआ था लॉर्ड मेयो के अंदर। ये कुछ पॉइंट्स है याद रखना। जो डेसेनियल सेंसस है इसको कंडक्ट किया जाता है ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। 1951 में सेंसस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया था एडहॉक बेसिस पे। सेंसस जो पॉपुलेशन का होता है ये आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूनियन सब्जेक्ट है। इसके रिस्पेक्ट में नियम कानून बनाने की ताकत केंद्र की सरकार के पास है। 7 शेड्यूल की सीरियल नंबर 69 यूनियन लिस्ट में ये सिचुएटेड है। सेंसस एक्ट 1948 के हिसाब से इंडिया के अंदर सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉन्फिडेंशियल मानी जाती है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ को भी एक्सेसिबल नहीं कराया जाता है। और सेंसस से रिलेटेड नियम कानूनों को अगर आप वायलेट करोगे तो पब्लिक और सेंसस ऑफिशियल दोनों को नॉन कॉम्प्लायंस के लिए सजा भी दी जा सकती है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है सेंसस से रिलेटेड। चूंकि यहाँ पे ओवरऑल फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज नहीं हो पाई हैं, यही प्रॉपर तरीके से नहीं तय हो पाया है कि कितने आप कह लो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने तालुका, तहसील, विलेज, ओवरऑल उनकी बॉडी का, उनकी एरिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, ये प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फ्रीजिंग नहीं हो पाई है बाउंड्रीज की, इसलिए सेंसस भी यहाँ पे कंडक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए 30 जून 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज होंगी, तब कहीं जाके सितंबर पे शुरू होगा। चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज होने के 3 महीने के बाद सेंसस आप शुरू कर सकते हो, तो अगर 30 जून 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज फ्रीज होती हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में तो पॉपुलेशन सेंसस शुरू नहीं हो सकता, उसके बाद ही पॉपुलेशन सेंसस शुरू होगा। चूंकि नॉर्म्स के हिसाब से बाउंड्री लिमिट्स को फ्रीज करने के 3 महीने बाद ही सेंसस कंडक्ट किया जा सकता है। गॉट इट। चलिए अगली न्यूज, जीएस पेपर टू वेस्ट ट्रीटमेंट, तिरुपति टू हैव द लार्जेस्ट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति ने एक जायंट लीप लिया है वाटर ट्रीटमेंट में और ये बना रहे हैं देश का सबसे बड़ा लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान। इसको बनाया जाएगा फाइटोरेड टेक्नोलॉजी से। क्या है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति में 5 मिलियन लीटर्स वाटर आर डे, ठीक है भाई, इसको ट्रीट किया जाएगा इस पर्टिकुलर आप कह लो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान में। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ तिरुपति की जो 7 एडजॉइनिंग डिवीजन्स हैं वहाँ पे जितना भी गंदा कचरा सीवेज वगैरह घुसता है वो जाके चला जाता है विनायक सागर वाटर बॉडी में, उसके चलते ये गंदी होती है, तो उसको साफ करने के लिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है 11 करोड़ रुपये का, इसको स्मार्ट सिटी फंड से निकाला जा रहा है। ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर इस पूरे प्रोजेक्ट का होगा 3 करोड़ का। अगले फोर्टनाइट में 14 दिनों में ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का, ये एक्टिवेट हो जाएगा। टेक्नोलॉजी कौन सी है? फाइटोरेड टेक्नोलॉजी। इसको डेवलप किया गया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की नीरी के द्वारा, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी ये है कि पहले इस वेस्ट वाटर में सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कराया जाएगा और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू अंदर जो सॉलिड मटेरियल है वो साइड में बैठ जाएगा।
ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर आप कह लो वेस्ट वाटर है, इसके सेडिमेंटेशन के बाद इसको सरपेंटाइन मोशन में एक सब सरफेस चैम्बर से मूव करवाया जाएगा, जिसमें बहुत सारे बीच में बैरिकेड्स होंगे, ठीक है ना। फिर बीच में कुछ सैपलिंग्स लगाई जाएंगी, वो सैपलिंग्स ग्रेवल और स्टोन्स को इस पर्टिकुलर वाटर से अलग कर देंगी। ऑर्गेनिक मोटर भी धीरे धीरे करके ओवरऑल जब अलग अलग सरपेंटाइन मोशन में बैरिकेड्स के थ्रू गुजरेगा तो ऑर्गेनिक मोटर भी धीरे धीरे एलिमिनेट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे सेडिमेंटेशन, फिर सरपेंटाइन मोशन में सब सरफेस चैम्बर से मूव करवाना जिसमें बहुत सारे बैरिकेड्स हैं, ऊपर पोरस मीडियम के थ्रू सैपलिंग्स लगा रखी जो ग्रेवल और स्टेन्स को आइडेंटिफाई करेंगी, सेग्रीगेट करेंगी। तो इस प्रकार से ओवरऑल वाटर को यहाँ पे क्लीन किया जाएगा। टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, टेक्नोलॉजी आपसे स्पेसिफिक यूपीएससी जैसे जनरल एग्जाम में या किसी भी और पीसीएस के एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अनटिल एंड अनलेस आप इस प्रकार के किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो और वहाँ पे इस प्रकार की टेक्निकल चीज़ें देखते हो तो उसमें आपको पता ही होगा। फिर आगे देखिए तो वाटर को एक एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर से भी पास कराया जाएगा और वाटर की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को 2-5 mg तक लेके जाया जाएगा, जबकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा जो नेशनल स्टैंडर्ड है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का वो 10 mg है, इसको 5 mg तक लेके जाया जाएगा। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी के अंदर वो डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि जरूरत पड़ती है एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को पानी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। पानी के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इस, और जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी कुत्ते की या किसी और जानवर की मौत हो जाती है, फिश की मौत हो जाती है पानी के अंदर, तो फिश क्या है, कुत्ते की बॉडी क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है। अब उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा, उसको डिकम्पोज करेंगे कौन करेंगे, एरोबिकल बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, और ये डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के लिए कुछ अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन लगेगी। तो ये जो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन है इसको आप बोलते हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब वो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को चाहिए। अब जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी एक अमाउंट ऑफ वाटर में, एक सैंपल ऑफ वाटर में पानी उतना ही गंदा है क्योंकि उतना ज्यादा ही ऑर्गेनिक मैटर है। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर डिजॉल्व है वो ज्यादा है। तो चूंकि ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर डिजॉल्व है वो ज्यादा है तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, इसलिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। समझ गए आप बात को, ठीक है ना। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थोड़ी कमी होनी चाहिए, अगर वो कम है इसका मतलब कहीं ना कहीं पानी साफ है, बिल्कुल खत्म भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए क्योंकि सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्योरिटी या फिर कह लो फॉर द हेल्दीनेस ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम, बट एक लिमिट से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल भी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब एक और बात है, अगर ऑर्गेनिक मटेरियल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ गया पानी के अंदर तो पानी के अंदर जो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी और जब उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो खींच लेंगे तो बाकी मैरीन और एक्वेटिक लाइफ के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गए, ये सारी चीज, सारी एक्वेटिक इकोसिस्टम की चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर एक लिमिट से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल का जो एक्सटेंट है वो पानी में बढ़ता है तो उन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंज्यूम करके जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बढ़ जाएंगे पानी के अंदर। इससे एक और चीज होती है यूट्रोफिकेशन, अगर आपने सुना हो तो, मैंने अपने इन्वायरमेंटल सीरीज में पढ़ाया। तो अगर ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज्यादा बढ़े तो उससे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ेंगे और वो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजॉल्व ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेंगे तो जो नेसेसरी ऑर्गेनिजम्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में जैसे मछलियां हो गई वो मरने लगेंगी, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, रेड जोन बन जाएगा पानी के अंदर, ठीक है भाई। अब ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की जो वैल्यू होती है इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पर लीटर ऑफ सैंपल ड्यूरिंग 5 days ऑफ इंक्यूबेशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 5 दिन इंक्यूबेशन के बाद बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उस वैल्यू को डिनोट करता है कि कितने मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर कंज्यूम हुई है, ओके भाई। तो ये सब बातें हैं यहाँ पे दोस्तों। कुछ कुछ हद तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जैसी होती है, ठीक है ना।
जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो थोड़ी कम स्पेसिफिक होती है, क्योंकि यहाँ पे हर वो एलिमेंट जो केमिकली ऑक्सीडाइज हो सकता है उसको मेजर किया जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक मैटर के रिस्पेक्ट में बातचीत होती है, और ऑर्गेनिक मैटर ही एक्चुअली में प्योरिटी इम्प्योरिटी के लेवल्स को डिसाइड करता है पानी के अंदर। उसके अंदर कोई न्यूरोटॉक्सिक मैटर रिलीज हो जाए या फिर कई बड़ी तादाद में केमिकल रिलीज हो जाए आर्टिफिशियल सोर्स से, तो एक अलग बात है। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर टू, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इश्यूज अराइजिंग फॉलोइंग प्रोटेस्ट, सेंटर स्टॉप्स पारसनाथ प्रोजेक्ट। जो पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है झारखंड में, उसके आसपास में जो इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था केंद्र की सरकार के द्वारा, वहां पे जो टूरिज्म और इको टूरिज्म एक्टिविटीज की परमिशन दी गई थी राज्य की सरकार के द्वारा, उसको यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रोक दिया है। ऐसा यहाँ पे अनाउंस किया है एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव साहब ने जैन कम्युनिटी मेंबर्स के साथ मीटिंग के बाद। इस केस में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब के ऊपर ही बहुत प्रेशर आ रहा था, तो हेमंत सोरेन साहब ने भूपेंद्र यादव जी को चिट्ठी लिखी थी और बोला था कि भैया इसके रिस्पेक्ट में एक अप्रोप्रिएट डिसीजन ले लो कि भाई क्या लीगल स्टेटस तुम रखोगे इको सेंसिटिव जोन का पारसनाथ हिल के आसपास का। अगर आप देखो तो इंडिया में रिसेंटली जैन कम्युनिटी के लोग बहुत तगड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार का प्लान था कि जो पारसनाथ हिल्स है झारखंड के अंदर, उनको इको टूरिज्म साइट की तरह डेवलप किया जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो आपके लिए बना चुका हूं, वाई आर पीसफुल जैन रिलीजियन पीपल प्रोटेस्टिंग ऑल ओवर इंडिया, ये सामेश शिखर जी वाला इशू क्या है, माइनिंग और लिक्वर का बेचना, ये सब क्या है। तो इस कंटेक्स्ट में मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे जैन धर्म के लोगों का, और उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोट आया है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 3 ऑफ द इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन पर्टेनिंग टू सामेश शिखरजी पर्वत क्षेत्र पारसनाथ हिल्स स्टेट फोर्थविथ इंक्लूडिंग अमंगस्ट ऑल अदर टूरिज्म एंड इको टूरिज्म एक्टिविटीज। देखिए, केंद्र की सरकार ने ही 2019 में पारसनाथ हिल को एक इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया था। अब इको सेंसिटिव जोन के क्लॉज 3 के अंदर ये लिखा था कि भैया अगर राज्य की सरकार केंद्र की सरकार को लिखित में देती है तो एक लिमिटेड बेसिस पे टूरिज्म भी इस इलाके में ओवरऑल अलाउ किया जा सकता है। तो 2019 का जो इको सेंसिटिव जोन को इशू मतलब डिक्लेयर करने का नोटिफिकेशन था केंद्र की सरकार का, उसके क्लॉज 3 में ही ये प्लान था कि अगर राज्य की सरकार केंद्र की सरकार को लिख के देती है तो कुछ परमिसिबल एक्टिविटीज जिसमें लिमिटेड टूरिज्म एक्टिविटीज होंगी वो भी अलाउ की जा सकती है इस इलाके में। अब जैसे ही टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने की बात की झारखंड सरकार में, वैसे जैन कम्युनिटी के लोग नाराज हो गए। जैन कम्युनिटी के लोगों का बोलना है कि यार अगर आपने इस हिल को टूरिज्म स्पॉट बना दिया तो कल की डेट में लोग शराब लेके आ जाएंगे, ड्रग्स लेके आ जाएंगे, नॉनवेज खाना लेके आ जाएंगे। जैन धर्म में वेजिटेरियन खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे डोंट ईट नॉनवेज। लाउड म्यूजिक बजने लगेगा यहाँ पे, अनऑथराइज्ड कैंपिंग और ट्रैकिंग होने लगेगी, रिलीजियस साइट्स को गंदा किया जाएगा, नेचुरल ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब की जाएगी। टूरिज्म में कहीं ना कहीं ये होता ही है। टूरिज्म का मतलब क्या है? लोग घूमने जा रहे हैं, अब घूमने जा रहे हैं तो जिनको पीने का शौक है वो बैठ के पी रहे हैं, खाने पीने में आजकल डेट में हर कोई नॉनवेज खाता है, फिर टूरिज्म में घूमने जा रहे हैं तो म्यूजिक बज रहा है, तो इन सब चीज़ों से ओवरऑल जो रिलीजियस कैरेक्टर है उस साइट का वो चला जाएगा। और इस बात को लेकर जैन कम्युनिटी के लोग नाराज थे। तो अभी के लिए क्या किया गया है कि पारसनाथ हिल कि इको सेंसिटिव जोन के तहत जो टूरिज्म हॉटस्पॉट्स बनाने की बात है उस चीज़ को रोक दिया गया है। अब क्या किया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में केंद्र की सरकार के मेंबर होंगे, राज्य की सरकार के मेंबर होंगे, जैन कम्युनिटी के मेंबर होंगे, जो रेजिडेंट ट्राइबल्स हैं इलाके के वो होंगे, वो बैठ के बातचीत करेंगे और फाइनली एक वे फॉरवर्ड प्लान को डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज, जीएस पेपर टू, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया फ्रांस ने डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को यहाँ पे डिस्कस किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल साहब ने 36 राउंड ऑफ टॉक की इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग के रिस्पेक्ट में किसके साथ, फ्रेंच एनएसए इमैनुअल बॉन के साथ। इमैनुअल बॉन एक डिप्लोमेटिक विजिट पे है इंडिया की, ओके, इन्होंने डोवल साहब के साथ तो मुलाकात की ही, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ भी मुलाकात की, और उसके बाद एम्बेसी ऑफ फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट आया कि भाई दोनों ही पार्टिसिपेंट्स ने स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की बात की है, यूक्रेन मुद्दे की बात की है, अफगानिस्तान की बात की है, काउंटर टेररिज्म की बात की, साइबर सिक्योरिटी की बात की, इंडो पैसिफिक में डिफेंस कोऑपरेशन की बात की, म्यूचुअल कंसर्न के ऑलमोस्ट सारे मुद्दों को लेकर बातचीत की। जब मोदी जी और मिस्टर बॉन के साथ बातचीत हुई तो एनर्जी और कल्चर के एजेंडा पे बेसिकली यहाँ पे बातचीत हुई है। इंडो फ्रेंच स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप में डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन के उभर रहा है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो इंडिया एक डिसीजन लेने वाला है, इंडिया को 26 फाइटर जेट्स खरीदने हैं। अब वो फाइटर जेट F-18 सुपर हॉर्नेट USA का होगा या फ्रांस का डसॉल्ट एविएशन का रफाइल M होगा, इस बात पर डिसीजन लेना अभी बाकी है। डसॉल्ट का ये जो रफाइल M है इसको बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया एक एज दे सकता है।
इसके साथ साथ फ्रांस कुछ और स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स में इंडिया के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो फाइटर जेट इंजन बना रहा है, उस फाइटर जेट इंजन को डेवलप करने के लिए हमने दुनिया भर से टेंडर्स और कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज किए हैं। अब उसमें दुनिया भर की कंपनीज कंपीट कर रही है। फ्रांस की भी एक कंपनी है साफरान, वो भी कंपीट कर रही है। तो फ्रांस, फ्रेंच कंपनीज एंड फ्रेंच गवर्नमेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी पैक्ट्स विद इंडिया। इस कंटेक्स्ट में कहीं ना कहीं न्यूज रेलेवेंट है। उसके साथ साथ एम्बेसी ऑफ फ्रांस ने यहां पे कन्वे किया है कि फ्रांस पूरी तरीके से सपोर्ट देता है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को। इंडिया के साथ हम स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप करेंगे, ऐसा फ्रांस ने बोला है, एक्सेप्शनल म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पे, शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बेसिस पे, ज्वाइंट विजन फॉर मल्टीपोरल रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर के बेसिस पे। फ्रांस की लोकेशन दिख रही है, कौन कौन सी कंट्रीज से बॉर्डर लगता है, तो स्पेन के साथ बॉर्डर लगता है, इटली के साथ बॉर्डर लगता है, स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर लगता है, जर्मनी के साथ बॉर्डर लगता है, बेल्जियम के साथ बॉर्डर लगता है, लग्जमबर्ग के साथ बॉर्डर लगता है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2-3 गवर्नमेंट पॉलिसीज एनर्जी सेंटर प्लान्स टू प्रमोट इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिनिस्टर। तो भैया आर के सिंह साहब, मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने बोला है कि इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल हब फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग प्रमोट करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है जब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, सोलर पावर से, विंड पावर से। जब आप कोल बेस्ड पावर से या डीजल बेस्ड पावर से हाइड्रोजन पैदा करो तो फिर वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं रहती। इंडिया का टारगेट है कि इंडिया बिगेस्ट प्रोड्यूसर बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन का। इस समय पे यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया सब ने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के प्लान बनाए हैं। हर दुनिया की कंट्री एनर्जी ट्रांजिशन की बात कर रही है, सब लोग नेट जीरो टारगेट्स को मीट करना चाहते हैं और उसमें ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इस रिस्पेक्ट में इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। इसमें अगर आप देखो तो 19,744 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया। मिस्टर सिंह साहब का बोलना है कि 2030 तक इंडिया के पास सालाना 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कैपेसिटी होगी। इंडिया उसके साथ 125 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी, देखिए 2022 तक इंडिया का टारगेट था 175 गीगावाट रेन्यूएबल एनर्जी बनाने का, 2030 तक प्लान बना रखा है कम से कम 125 गीगावाट और बना दो, 300 गीगावाट कर दो, और आगे अगले 10-20 सालों में 500 गीगावाट हमारा प्लान है रेन्यूएबल एनर्जी से बनाने का। हम कितना पूरा कर पाएंगे, नहीं पूरा कर पाएंगे, वो आगे की बात है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन हम बना लेते हैं तो हम डीकार्बोनाइजेशन कर पाएंगे इंडस्ट्रियल मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर्स का, इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस कम कर पाएंगे, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ा पाएंगे, नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि एफिशिएंट फ्यूल सेल्स बना पाएंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो बढ़ेगी। ऐसा बताया जा रहा है कि 2030 तक 6 लाख नई जॉब्स और 8 ट्रिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकती हैं। 2030 तक 50 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को हम लोग कम कर सकते हैं, तो बहुत तगड़े पोटेंशियल है। 60 से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को इंडिया डेवलप कर सकता है 2030 तक, जो कि उस समय पे दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी। तो ये सारे ओवरऑल टारगेट्स हैं इंडिया के, अब कितने पूरे कर पाएगी इंडिया वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। फिर अगला भाई, जीएस पेपर 2 हायर एजुकेशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ड्राफ्ट नॉर्म रिलीज किए हैं जिन नॉर्म्स के तहत फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर कैंपसेस सेटअप कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्म्स ड्राफ्ट है। इस मंथ के एंड तक ओवरऑल ऑल स्टेक होल्डर्स के फीडबैक और रिव्यू देखने के बाद फाइनल नॉर्म्स यहां पे रिलीज किए जाएंगे। अभी के लिए ड्राफ्ट नॉर्म्स में 90 डे का अप्रूवल प्रोसेस है। 90 डे का अप्रूवल प्रोसेस मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। इस स्टैंडिंग कमेटी के सामने ओवरऑल जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर कॉलेज खोलना चाहते हैं वो ओवरऑल अपना सबमिशंस रखेंगे। ठीक है, तो इन सबमिशंस को कंसीडर किया जाएगा यूजीसी की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा। ठीक है भाई, और ओवरऑल उन सबमिशंस के आधार पर अगले 45 दिनों में यूजीसी को ग्रांट देना है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल देना है या रिजेक्ट करना है उस फॉरेन इंस्टीट्यूशन की एप्लीकेशन को जो कि इंडिया के अंदर ओवरऑल एक कैंपस खोलना चाहते हैं। पहली जो परमिशन दी जाएगी वो 10 सालों की दी जाएगी, बाद में उस परमिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन फॉरेन कैंपसेस के पास अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस होगा, खुद का क्राइटेरिया होगा डोमेस्टिक और फॉरेन स्टूडेंट्स को एडमिट करने का, ये अपना खुद का फीस स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हैं। उस फीस के ऊपर कोई कैप्स नहीं होंगी, लेकिन वो फीस स्ट्रक्चर रीजनेबल और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज के पास ऑटोनॉमी होगी अपनी फैकल्टी और स्टाफ को रिक्रूट करने का, वो फैकल्टी स्टाफ इंडिया का भी हो सकता है, अब्रॉड का भी हो सकता है। एक और बात, ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर आके अपना कैंपस खोल रहे हैं वो ऑनलाइन और ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड में करानी है।
ऑफलाइन मोड को वो सप्लीमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के साथ, बट केवल स्टैंड लोन बेसिस पे ऑनलाइन मोड में चलाएं ये नहीं हो पाएगा। इस कंटेक्स्ट में ये जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, ऑब्वियसली बात इनकी ओनरशिप विदेश में है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये पैसा बाहर भेज सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट, रिमिटेंस, रिपैट्रिएशन, सेल ऑफ प्रोसीड्स, ये सब इनको अलाउ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये नॉर्म्स निकाले गए हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। ठीक है, एक और चीज, वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जिनकी टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग से वो इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो कि अपनी सोर्स कंट्री में एक टॉप का इंस्टीट्यूशन, मान लो यूएई का कोई इंस्टीट्यूशन है, वो टॉप 500 में नहीं आता, बट यूएई के अंदर ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की काफी अच्छी आप कह लो रेपुटेशन है, तो उस केस में उसको इंडिया के अंदर कैंपस खोलने की परमिशन दी जाएगी। ये सब जो प्रोविजंस हैं ये कहीं ना कहीं इनविशिएट किए गए थे एनईपी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सरकार ने टारगेट बनाया था कि दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज को हम एक मैकेनिज्म देंगे जिसके चलते वो ओवरऑल अपने कैंपसेस को इंडिया के अंदर खोल सकें, टॉप नॉच वर्ल्ड एजुकेशन को दुनिया की इंडिया के अंदर लेके आ सकते हैं, उसके रिस्पेक्ट में रेगुलेटरी, गवर्नेंस, कंटेंट, नॉर्म, ये सब कहीं ना कहीं ये इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं उस पैरामीटर्स के आधार पर जिस पैरामीटर्स के आधार पर इंडिया के अंदर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। तो ठीक है, इनको ऑटोनॉमी दी जाएगी पर ब्लैंक ऑटोनॉमी नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की बात करें तो 28 दिसंबर 1953 को बना था, स्टैट्यूटरी बनी थी 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, काम किया इसका कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो यहाँ पे भैया देखिए करंट अफेयर्स खत्म होता है, अब आ जाते हैं एडिटोरियल पे ऊपर, स्टेबलाइजिंग टाइज विद नेपाल इन अनसर्टेन टाइम्स। देखिए क्या है, नेपाल में रिसेंटली इलेक्शंस हुए, जो इलेक्टोरल वर्डिक्ट था वो क्रेडिबल था। नेपाल के इलेक्शंस को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, नेपाल की पॉलिटिक्स डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को लेके अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। जैसे कुछ आर्टिकल्स और कुछ ऑथर्स नेपाल की पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ पे जो ऑथर है वो एक बैलेंस्ड व्यू ले रहा है। के वी राजन साहब और अतुल के ठाकुर साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई देखिए नेपाल के जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उसमें कुछ पॉजिटिव्स हैं, नेपाल के लोगों ने ऐसे कैंडिडेट्स को चुना है जो कि उनको एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस दे सके, अपने आपस में ही पावर गेम ना खेलते फिरे, हालांकि वो तब भी पावर गेम खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का एक सक्सेसफुल रूट आ चुका है नेपाल के अंदर, लोग इलेक्शन में वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं। तो पहले जो एक हिंदू मोनार्की हुआ करता था देश, वो आज की डेट में एक सेक्युलर रिपब्लिक है। ठीक है, तो अपने आप में बहुत आप कह लो जद्दोजहद के बाद वो एक प्रॉपर सेक्युलर रिपब्लिक बना है। जो मॉइस्ट मूवमेंट था वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुका है नेपाल के अंदर, जो मॉइस्ट थे नेपाल के अंदर वो नेपाल आर्मी ज्वाइन कर चुके हैं, जो गुरिल्लास थे, ट्रांसफर ऑफ पावर हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन हो चुका है, एक फेडरल स्ट्रक्चर बन चुका है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं नेपाल की पॉलिटिक्स की। ऑन द अदर हैंड नेपाल के अंदर एक हंग पार्लियामेंट है, जो फाइनल रिजल्ट्स निकल के आया उसमें किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी। तो चूंकि उनके पास क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी तो सारी की सारी कोलिशन पॉलिटिक्स की निगेटिव्स यहाँ पे आ गए। सबको लग रहा था कि नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, चूंकि सबसे ज्यादा सीटें उनकी पॉलिटिकल पार्टी के पास थी, बट बन कौन गया? पुष्प कमल दहल प्रचंड। पहले तो पुष्प कमल दहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने, मॉइस सेंटर ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, बाद में जब पुष्प कमल दहल को लगा कि प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा बन जाएंगे तो पुष्प कमल दहल ने यू टर्न मारा, नेपाली कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने फिर से कोलिशन कर लिया किसके साथ? सीपीएन यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट केपी शर्मा ओली की पार्टी के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ जिसके पास वोट ज्यादा है पुष्प कमल दहल प्रचंड से। तो आज की डेट में भले प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड है, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का बोलना है कि नेपाल के अंदर जो डिसीजन लेने वाला इंडिविजुअल होगा वो केपी शर्मा ओली ही होगा। तो नो डाउट लोगों ने वोटिंग इस प्रकार से डाली कि लोग एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं नेपाल के वो अभी भी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे, यू टर्न करके कैसे भी करके गद्दी पर बैठे रह रहे हैं। अब इस कंटेक्स्ट में नेपाल में इंडिया और चाइना के पावर गेम्स की बात की जा रही है। ये जो लेफ्ट वंग की दो पार्टीज आ गई ना, मॉयस सेंटर, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, एक पुष्प कमल दहल प्रचंड की, एक केपी शर्मा ओली की, ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए अच्छी खबर है। चाइना कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर लिंक बनाना चाहता है, एक एंटी इंडिया स्टांस लेके आना चाहता है, और कुछ हद तक चाइना इसमें सक्सेसफुल भी रहा है। हालांकि जो नेपाल के पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की इंपॉर्टेंस को भी बहुत प्रॉपर तरीके से समझते हैं। लिंकेजेस ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, रिलीजन एंड इकोनॉमी जो इंडिया का नेपाल के साथ है वो चाइना कभी भी नहीं रख सकता, और मिस्टर प्रचंड और मिस्टर केपी शर्मा ओली सीजनड पॉलिटिशियन है, वो इस बात को समझते हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा छाणे पॉलिटिशियन है। जो जरूरत से ज़्यादा छाणे पॉलिटिशियन होते हैं उनकी एक प्रॉब्लम होती है, वो अपनी गद्दी को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और
पास्ट के पिछले कुछ सालों में केपी शर्मा ओली ने ये सब करके कहीं ना कहीं इंडिया नेपाल के रिलेशंस को बहुत हद तक डैमेज किया। ठीक है, नेपाल के अंदर पॉलिटिशियंस अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रो इंडिया हो जाते हैं या एंटी इंडिया हो जाते हैं, और ये जो केपी शर्मा ओली और प्रचंड जैसे लीडर्स हैं तो वैसे भी अल्ट्रा नेशनलिस्टिक लीडर्स हैं, तो कभी कभी तो ये लोग सेंसलेस अपोजिशन ऑफ इंडिया को अपोज करते हैं, लेकिन जब बात आती है इनके खुद के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तो ये इंडिया को आप कह लो बिल्कुल ही गरियाने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। रही बात चाइना इंटेंशन की, तो कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर के लोग चाइना के रियल इंटेंशंस को जानते हैं, किस हद तक चाइना दुनिया भर में डेट ट्रैप में लोगों को फंसा रहा है। कहीं ना कहीं नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री, तो नेपाल को अपनी कुछ लिमिटेशंस पता है, चाइना के ऊपर एक्सेसिव डिपेंडेंस नेपाल के लिए सही नहीं है। चाइना एक डिक्टोक्रेसी है, ओवरऑल नॉर्दर्न नेपाल में थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट की खबर भी निकल के आई थी, तो इस कंटेक्स्ट में नेपालीज आर अवेयर ऑफ चाइनीज थ्रेट्स, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसके बेसिस पे इंडिया कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकता। 1950 का जो इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप था, और उसके बाद जो समय समय पे बॉर्डर इशू इंडिया नेपाल के बीच में फेस्टर करता रहता है, और ये जो मधेसी वाले इशू में नेपाल बोलता है कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इन सब रिस्पेक्ट में एक ओपन और ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के थ्रू इंडिया नेपाल के जो रिमेनिंग इशूज हैं इनको रिजॉल्व करने की जरूरत है। और जब अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा तब कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्डअप होगा, और वो ट्रस्ट ओवरऑल लॉन्गर टर्म में यूजफुल होगा दोनों कंट्रीज के लिए। COVID-19 क्राइसिस के बाद अगर आप देखो तो 2020-21 में अकेले 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, उसमें इंडिया नेपाल दोनों में थे। तो इंडिया और नेपाल यूनिकली पोजिशन होकर एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक गवर्नेंस में इन्वॉल्व होते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करते हैं, अपने कॉपरेशन को म्यूचुअल एडवांटेज में डाइवर्सीफाई करते हैं। तो एक होस्ट ऑफ इशूज़ जिसमें इकोनॉमिक रिकवरी, बायलेटरल, सब रीजनल, रीजनल कॉपरेशन, सप्लाई चेन, बहुत ज़्यादा इशूज़ को यहाँ पर सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है ही, अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। एक और चीज़, नेपाल एक पहाड़ी देश है, तो पहाड़ी देश के अंदर हाइड्रो पावर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और वो पोटेंशियल नेपाल तभी मीट कर सकता है जब वो इंडिया की टेक्नोलॉजी का एक्सेस पा सके। उसके लिए पॉलिटिकल रिलेशंस अच्छे रखने होंगे, तो इंडिया को भी नेपाली कंसर्न समझने, नेपाल को भी इंडियन कंसर्न समझने। हालात तब बिगड़ जाते हैं जब पॉलिटिशियन अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोगों के राइट्स को साइडलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आज की डेट में एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जो किसी और कंट्री से ज़्यादा नेपाल में जा चुके हैं, एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनको उनकी कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए सराहा जाता है, एक ऐसे फॉरेन सेक्रेटरी जो नेपाल के अंदर एम्बेसडर रह चुके हैं, तो इन सारे आप कह लो कॉम्बिनेशन से ये हम कह सकते हैं कि भाई हम बिल्कुल ऐसी प्रॉपर पोजिशन में जिससे हम नेपाल के साथ अपने रिश्ते को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ज़रूरी यह है कि हम उसके प्रति स्टेप्स लें। नेक्स्ट आर्टिकल, टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एन अपलिंकिंग हब। देखिए क्या है, दो मेजर डेवलपमेंट्स हुए टेलीविजन इंडस्ट्री इन इंडिया में पिछले दो सालों में। एक तो 2021 में जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स थे 1994 के, इनको अमेंड किया गया। एक स्टेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे इवॉल्व किया गया जिसके चलते जो कंटेस्ट ब्रॉडकास्ट किया जाता है किसके द्वारा, केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के अंदर, उसके रिस्पेक्ट में जो व्यूअर्स हैं वो अपनी ग्रीवेंसेज और कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं रिड्रेसल के लिए। तो एक तो ये स्टेप लिया गया पिछले दो सालों में, पहला स्टेप 2021 में जो अभी आपको बताया। 2022 में यूनियन कैबिनेट ने पॉलिसी गाइडलाइंस अप्रूव की हैं जिसके चलते इंडिया के टेलीविजन चैनल्स को अपलिंक किया जा सकता है, डाउनलिंक किया जा सकता है। अपलिंक और डाउनलिंक के बीच का फर्क क्या है, जब सैटेलाइट से सिग्नल हमको मिले अपने घरों के अंदर और हम उससे अपना टीवी देखें तो उसको आप बोलते हो डाउनलिंकिंग। तो डाउनलिंकिंग में सैटेलाइट से जो ओवरऑल ब्रॉडकास्ट के सिग्नल से वो अर्थ की तरफ भेजे जाते हैं। अपलिंकिंग में क्या है कि अर्थ के किसी एक टेलीपोर्ट से सैटेलाइट के पास सिग्नल भेजेंगे। मान लो दोस्तों, समझ लीजिए ये रहा इंडिया, इंडिया के मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है और उसका लाइव टेलीकास्ट यूएस में बैठा हुआ एक इंडिविजुअल देख रहा है, तो यूएस यहाँ तो नहीं है, तो इंडिया के एक टेलीपोर्ट नेटवर्क से वो सिग्नल सैटेलाइट के पास भेजेंगे और वो सैटेलाइट सिग्नल यूएस के किसी टेलीपोर्ट के पास भेजेगा और फिर यूएस में उस पर्टिकुलर मैच का ब्रॉडकास्ट होगा। लाइव ब्रॉडकास्ट तो ऐसे ही होगा ना भाई, तो अपलिंकिंग समझ गए ना, किसी एक कंटेंट को किसी पर्टिकुलर जगह से आप सैटेलाइट के पास भेजो, फिर सैटेलाइट से जब वो कंटेंट किसी दूसरे ग्राउंड स्टेशन पे रीडायरेक्ट किया जाएगा देखने के लिए, उसको डाउनलिंकिंग बोला जाएगा। तो अपलिंकिंग डाउनलिंकिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए प्रॉपर नियम कानून है जिसको आप बोलते हो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स, इन्हीं में 2021 में अमेंडमेंट किया गया था रिड्रेसल के लिए। अगर किसी की कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है, सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज परेशान कर रही हैं, ब्रॉडकास्टर्स और जो चैनल मेंबर्स हैं वो परेशान है, तो उस रिस्पेक्ट में रिड्रेसल मैकेनिज्म को यहाँ पे इन्वोक किया गया। देखिए, टेलीविजन इंडिया में स्टार्ट हुआ था सितंबर 1959 में। ठीक है, शुरुआत में ओवरऑल आप देखो 30 सालों तक, 3 डेकेड्स तक ओवरऑल पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में था। 1990s में केबल टेलीविजन की इंडिया के अंदर एंट्री होती है,
जैसे कि क्या है, उस समय से पहले अगर आप देखो तो दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती थी। फिर केबल का जमाना आया था शुरू में, बहुत सारे अलग अलग चैनल, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट, इस प्रकार के चैनल आने लगे। हम लोग भी फैसिनेट थे उस समय पे, मुझे याद है जब केबल टेलीविज़न इंडिया के अंदर आया था तो ओवरऑल घरों में लड़ाई होती थी बच्चों की, पापा के केबल लगवा दो, क्योंकि सिर्फ दूरदर्शन में उतने टीवी वगैरह नहीं आते, मतलब मूवीज़ वगैरह नहीं आती थी। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो 1990s में केबल टेलीविज़न पहुंचा इंडिया के अंदर, ठीक है भाई। सरकार उस समय पर ट्रांसमिशन और ब्रॉडकास्ट की इस नई मेथोडोलॉजी को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत तेजी से केबल टेलीविजन नेटवर्क इंडिया के अंदर बढ़ने लगे। रीजन सिंपल ये था कि लोग देखने में इंटरेस्टेड थे, कहीं ना कहीं इन नए केबल टेलीविजन नेटवर्क के चैनल के चलते फॉरेन कल्चर भी इंडिया के अंदर पहुंचा और बड़े स्केल पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज से बढ़ी, क्योंकि लोगों की डिमांड थी ना, और जो यहाँ पे आप कह लो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने से अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 के अंदर बनाया गया। अब शुरू में पता है पहले क्या होता था, पहले होता ये था, पहली बार अगर आप देखो तो पहला प्राइवेट टेलीविजन चैनल इंडिया के अंदर बनाया गया, जी टीवी। इंडिया के कुछ लोगों ने, कुछ नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हांगकांग में रहते थे, उनके साथ मिलकर जी टीवी बनाया अक्टूबर 1992 में। इसके लिए एक आइडियल एशिया सेट सैटेलाइट के ट्रांसपोर्टर को लीज किया गया 5 साल के। पहले होता यह था दोस्तों कि इंडिया के अंदर मान लो कोई धारावाहिक है, मतलब कोई सीरियल है, डेली सोप है, उसको ब्रॉडकास्ट करना है इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर अपलिंकिंग की फैसिलिटी नहीं थी, इंडिया के अंदर खुद के टेलीपोर्ट्स नहीं थे जो सैटेलाइट तक सिग्नल भेज सकें उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करते थे, फ्लाइटों से हांगकांग सिंगापुर भेजा करते थे इन कैसेट्स को, ठीक है ना। तो रशिया, हांगकांग, सिंगापुर, ये कैसेट्स जाते थे, वहाँ के अर्थ टेलीपोर्ट नेटवर्क से वो सैटेलाइट पे जाते थे और फिर सैटेलाइट से इंडिया के अंदर सोचो ब्रॉडकास्ट किए जाते थे। सोचिए हमारे पास खुद का एक टेलीपोर्ट नेटवर्क नहीं था, इसलिए हमारे ही देश के सीरियल्स को हमारे ही देश के अंदर ब्रॉडकास्ट करने के लिए डेली के बेसिस पे चैनल ओनर्स इन सीरियल्स की सीडीज को भेजा करते थे किसी और देश में, हांगकांग, सिंगापुर और रशिया में, और वहाँ से इनको अपलिंक किया जाता था और फिर इंडिया में डाउनलोड करके इनको केबल टीवी नेटवर्क में दिखाया जाता था। बाद में आप देखो तो 2000 में पहली बार अगर आप देखो तो इंडिया में टेलीपोर्ट की फैसिलिटी आई। देखिए, अपलिंकिंग फ्रॉम इंडियन सॉइल की फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए विदेश संचार निगम लिमिटेड को यहां पे लाया गया। अब हांगकांग, सिंगापुर, मॉस्को टेप नहीं भेजे जाएंगे, टेप भेजे जाएंगे विदेश संचार निगम लिमिटेड के नई दिल्ली के कनॉट प्लेस ऑफिस में। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज की गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग फ्रॉम इंडिया जुलाई 2000 में। प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को परमिशन मिल गई कि वो इंडिया के अंदर अपने खुद के अर्थ स्टेशन बना सकते हैं, अपलिंकिंग कर सकते हैं। पहला लाइसेंस दिया गया टीवी टुडे के नेटवर्क लिमिटेड को नवंबर 2000 में और इस ब्रॉडकास्टर ने 24/7 हिंदी न्यूज़ चैनल आज तक रिलीज किया 31 दिसंबर 2000 को। आज तक पहला इंडियन प्राइवेट टेलीविजन चैनल बना जिसने अपने खुद के अर्थ स्टेशन से इंडिया के अंदर सिग्नल्स को अपलिंक किया। उसके बाद 2001 में 5 ब्रॉडकास्टर बने, सन टीवी नेटवर्क, एंटरटेनमेंट टेलीविजन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, उशोदाया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, एसएल श्याम कम्युनिकेशंस लिमिटेड, एशियानेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। इन सब ने अपने अर्थ स्टेशन सबमिट किए और अपलिंक किया। आज की डेट में तो बहुत नॉर्मल हो गया है, अपलिंकिंग इंडिया से होती। इनफैक्ट अब बाहर की जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने कंटेंट को इंडिया के अंदर भेजते हैं, इंडिया को इस्तेमाल करते हैं अपलिंकिंग के लिए और फिर अपनी कंट्रीज के अंदर ब्रॉडकास्ट करवाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अपडेटेड अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग पॉलिसी गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की 2011 में प्राइवेट सेटेलाइट टीवी चैनल्स के लिए। अब अगर आप देखो तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग का सेक्टर है ये बहुत तेजी से यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, बहुत सारे ऑपरेशनल डेवलपमेंट्स यहाँ पे हुए हैं। तो समय समय पे पॉलिसी गाइडलाइंस अपलिंकिंग की और डाउनलिंकिंग की सरकार को अमेंड करने की जरूरत है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने ड्राफ्ट पॉलिसी गाइडलाइंस 30 अप्रैल 2020 को सबमिट की, इनके ऊपर कमेंट्स मांगे 15 दिन के अंदर अंदर, और इनके सबमिशंस के बाद अगर आप देखोगे तो 9 नवंबर 2022 को फिर से कुछ अपडेटेड पॉलिसी गाइडलाइंस अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग को लेके आई गई हैं। इन गाइडलाइंस में कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक साउंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से रेगुलेट करने की बात की गई और इंडिया को एक टेलीपोर्ट हब बनाने की बात की गई है। टेलीपोर्ट हब मतलब पहले हम अपने देश के धारावाहिकों को इंडिया के अंदर ही ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपने टेपों को हांगकांग, सिंगापुर, रशिया भेजते थे और वहां से अपलिंक करवाते थे। अब दूसरे देश के लोग अपने कंटेंट को इंडिया के अंदर लेके आके अपलिंक करवाएं सैटेलाइट, इसका हम टेलीपोर्ट हब बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल से दोस्तों यहां पे। तो भाई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में जरूर याद रखना,
पिछले दो सालों में टेलीविजन इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए दो इवेंट्स हुए हैं 2021 में 2022 में। 2021 में केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 को अमेंड किया गया और कंटेंट ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड ग्रीवेंसेज और कंप्लेंट्स को एड्रेस करने की बात की। 2022 में अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग ऑफ टेलीविजन चैनल्स को लेकर पॉलिसी गाइडलाइंस रिलीज की गई और इन पॉलिसी गाइडलाइंस के थ्रू इंडिया को एक टेलीपोर्ट हब बनाने की बात की गई। अपलिंकिंग क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है भाई। ये सब बातें यहाँ पे दे रखी। फिर अगला फ्रीडम इन अथॉरिटी। रिसेंटली ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और मिनिस्टर्स वगैरह के ऊपर कोई नई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है। देखिए इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे तारीफ की जा रही कि सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रेंट दिखाया है, अलग से मिनिस्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली है। 19 क्लॉज 2 के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन को सेफगार्ड करने के लिए, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए वो ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टिव है, उसमें किसी भी प्रकार के एडिशन की जरूरत नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर फिक्स नहीं की गई है। हालांकि बीबी नागरत्ना जी ने यहाँ पे ये बोला कि अगर इंडिविजुअल मिनिस्टर के स्टेटमेंट को स्टांस को सरकार सपोर्ट करती है तो वहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वोक किया जा सकता है। फिर पॉलिटिकल लीडर्स को यहाँ पे सेंसिटाइज रहने की जरूरत है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। समय समय पे पॉलिटिकल लीडर्स को ये रिमाइंडर दिया जाना चाहिए उनकी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि वो जो कुछ भी बोलते हैं उसका ग्राउंड पे इम्पैक्ट होता है, वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके फॉलोवर उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एलिमेंट भी होना चाहिए इन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के हाथ में। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या है, ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स को किस प्रकार से प्राइवेट। एक और चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर जजमेंट में एक और बात यहां पे बोली गई है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के अंदर क्या फंडामेंटल राइट्स सरकार के अगेंस्ट ही अवेलेबल है या प्राइवेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। तो यहां पे कोर्ट का ओवरऑल रिव्यू ये भी बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो इन्फोर्सिबल अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स। अभी तक क्या है कि जो भी इन्फरेंसेज है उससे यह पता चलता है कि फंडामेंटल राइट्स आर एप्लीकेबल या इन्फोर्सिबल अगेंस्ट गवर्नमेंट, बट अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो इन्फोर्सिबल अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स, ठीक है ना भाई। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों, ठीक है ना। अगर सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट एलिजिबल है, मतलब एप्लीकेबल है फंडामेंटल राइट्स, तो उसको बोला जाएगा वर्टिकल राइट्स, और अगर वो प्राइवेट प्लेयर्स के अगेंस्ट भी एप्लीकेबल है तो उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाएगा। तो अभी के लिए यह बताया जा रहा है कि फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट डेफिनेशन के हिसाब से प्राइवेट एक्टर्स के अगेंस्ट भी इन्वोक किए जा सकते हैं। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 17,490 करोड़ रुपए लॉन्च किए हैं यूनियन कैबिनेट ने। अब इस कंटेक्स्ट में देखिए क्या कहा जा रहा है, आप ग्रीन पावर के थ्रू, सोलर और विंड पावर के थ्रू बनाइए ग्रीन हाइड्रोजन चलेगा, लेकिन वो खर्चे वाला काम है। अगर आप कोल से बनाते हो ग्रीन हाइड्रोजन तो खर्चा आएगा $0.9 से $1.5 एक किलोग्राम हाइड्रोजन बनाने का, लेकिन अगर आप सोलर एनर्जी के थ्रू बनाते हो, रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बनाते हो, तो खर्चा आएगा $3.5 से $5.5 का। तो क्या इतना खर्चा हम बढ़ा पाएंगे? आज की डेट में सोलर पावर टैरिफ कोल पावर टैरिफ से नीचे गिर रहा है, बट उसकी एक बड़ी वजह दोस्तों ये है कि सरकार बहुत हद तक रेन्यूएबल एनर्जी को सब्सिडाइज कर रही है। ज़रूरी यह है कि लॉन्ग टर्म में बिना सब्सिडी के जो सोलर पावर है, विंड पावर है, वो कोल पावर के बराबर आ जाए, अगर कम ना जाए तो इस कंटेक्स्ट में जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इंडियन इंडस्ट्री के लिए एक एनेबलिंग एनवायरमेंट बनाने के लिए तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार को और पैसा इन्वॉल्व करना पड़ेगा। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम सालाना 5 मिलियन मेट्रिक टन्स की एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें। इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी हमारे पास 60 से 100 गीगावाट की हो, 125 गीगावाट की हमारे पास रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, उसमें बहुत तगड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट बोथ फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, और फॉरेन फाइनेंशियल असिस्टेंस लगेगा। वो आएगा नहीं आएगा ये तो देखिए समय ही हमको बताएगा। अगर आप देखें ग्रीन हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ द डिटेल्ड एक्सपेंसेस करंटली अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन। दुनिया भर में जितनी भी हाइड्रोजन की प्रोडक्शन हो रही है केवल 1% से कम उसमें ग्रीन हाइड्रोजन है, और इंडिया का टारगेट है कि हम इस ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब बने और एक्सपोर्टर बने, क्योंकि आगे आने वाले समय में दुनिया भर की कंट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन को इम्पोर्ट करना चाहेंगी। तो इंडिया बड़े स्केल पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है तो एक बड़ा मेजर एक्सपोर्टर बन सकता है। तो ठीक है, इंडिया का एम्बिशन वर्दी है, ठीक है ना। इंडिया को अगर हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो आप एम्बिशन अच्छा बना रहे हो, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है।
जैसे कि इंडिया ने पिछले एक डिकेड में पॉलिसी बनाई है कि हम नेट एक्सपोर्टर बनेंगे सोलर सेल्स के, सेमीकंडक्टर के, विंड पावर कंपोनेंट्स के, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक हम बन नहीं पाए हैं क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस उतना ताकतवर नहीं है, कमजोर है, और हम ग्लोबल कैपिटल को प्रॉपर तरीके से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, मोबिलाइज नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो भले हम यहां पर टारगेट बना रहे हैं बट उस टारगेट को पूरा करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए इंडिया को अपने स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग एलाइड एंटरप्राइजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वोक करना पड़ेगा, लार्ज इंडस्ट्रीज के ऊपर रिलायंस को थोड़ा कम करना पड़ेगा, ग्रीन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी देखना पड़ेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत है, ये सारा पानी कहां से आएगा, ये सब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। हमने टारगेट्स बना लिए, लेट्स सी टारगेट्स किस हद तक पूरा कर पाएंगे, हम बस ये उम्मीद करेंगे कि जैसे सोलर पावर, विंड पावर में जो हमारे टारगेट्स मिस हुए हैं वो कहीं यहां ना मिस हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, आई होप आपको कुछ ना कुछ सुनने को सीखने को मिला हो इस लेक्चर में, मैंने जितना डिटेल्ड और होलिस्टिक लेक्चर को बना सकता था बनाया है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते।